पिछली वीडियो में हमने मैनिफेस्टेशन को डिटेल में समझा था। इस वीडियो में मैं आपको कुछ टिप्स बताने वाला हूँ जो आपको मैनिफेस्टेशन करने में 10 गुना तक मदद करेंगे। टिप नंबर 1, डू नॉट फॉरगेट टू कीप योर वाइब्रेशन हाई। किसी भी चीज को मैनिफेस्ट करने के लिए आपको अपनी बॉडी की वाइब्रेशंस को बढ़ाना होगा, क्योंकि जब आपकी बॉडी की वाइब्रेशंस ज्यादा होती हैं, तब पॉजिटिव चीजें आपकी तरफ आकर्षित होती हैं। अपनी बॉडी की वाइब्रेशंस को बढ़ाने के लिए आपको हमेशा खुश रहना चाहिए। ऐसा काम करना चाहिए जिसमें आपको खुशी महसूस हो। आपको हमेशा मोटिवेटेड फील करना चाहिए। ऐसा करने के लिए आप YouTube पर मोटिवेशनल वीडियोस देख सकते हैं, या फिर आप मेडिटेशन करके अपनी बॉडी की वाइब्रेशंस को बढ़ा सकते हैं। टिप नंबर 2, ट्रस्ट एंड बिलीव। कुछ दिन पहले मैंने कम्युनिटी पोस्ट में पूछा था, क्या आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर विश्वास करते हैं? तो कुछ लोगों ने इसका जवाब नो में दिया था। अगर आप किसी भी चीज को मैनिफेस्ट करके आकर्षित करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको मैनिफेस्टेशन और लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर विश्वास और भरोसा रखना होगा कि ये आपके लिए काम करेगा। जिस तरह एक शरीर को जिंदा रहने के लिए सांसों की जरूरत होती है, उसी तरह से लॉ ऑफ अट्रैक्शन और मैनिफेस्टेशन को हकीकत में बदलने के लिए विश्वास और भरोसे की जरूरत होती है। बिना इसके मैनिफेस्टेशन और लॉ ऑफ अट्रैक्शन कभी काम नहीं करता। आपकी इच्छा को पूरा होने में समय लग सकता है, लेकिन आपको मैनिफेस्टेशन पर विश्वास रखना होगा और सही समय का इंतजार करना होगा। टिप नंबर 3, एनहेंस योर डिजायर्स। मैनिफेस्टेशन को हकीकत में बदलने के लिए आपको अपनी इच्छा के प्रति पूरे डेडिकेशन के साथ फोकस करना होगा। जर्नलिंग। ऐसा करने के लिए आप जर्नलिंग कर सकते हैं। हर रोज एक डायरी में आप मैनिफेस्ट की गई चीज को लिख सकते हैं। अगर आप बेस्ट सेलिंग ऑथर बनना चाहते हैं, तो आप लिख सकते हैं, आज मेरी किताब को एक बड़ी पब्लिकेशन कंपनी ने एक्सेप्ट कर लिया है और मेरी किताब बेस्ट सेलिंग किताब बन चुकी है। इस तरह से रोज मैनिफेस्टेशन करके आप अपनी इच्छा को हकीकत में बदल सकते हैं। एफर्मेशंस। एफर्मेशंस आपको अपने काम में फोकस करने में मदद करते हैं। आप इस तरह के एफर्मेशंस रोज खुद से कह सकते हैं, जैसे कि मैं अपने काम में बेस्ट दे रहा हूँ, मैं इस काम को करने के काबिल हूँ, मुझे अपनी काबिलियत पर पूरा विश्वास है, मैं हर दिन खुश रहता हूँ और आभार व्यक्त करता हूँ, मैं 1,00,000 रुपए कमाने लग गया हूँ। इस तरह के एफर्मेशंस आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने में मदद करते हैं और आपको अपनी काबिलियत पर विश्वास दिलाते हैं। हमारा दिमाग रियलिटी और इमेजिनेशन के बीच डिफरेंस को नहीं समझता, और जब आप रोज खुद से पॉजिटिव एफर्मेशंस कहते हैं, आपका दिमाग उसे रियलिटी समझकर आपको एक्शंस लेने पर मजबूर कर देता है, और आपके हर दिन के छोटे छोटे एक्शंस आपको अपनी मंजिल तक पहुंचाते हैं। पॉजिटिव एफर्मेशंस आपकी इच्छा को हकीकत में बदलने में मदद करते हैं। विजन बोर्ड्स। आप एक विजन बोर्ड का इस्तेमाल करके मैनिफेस्ट की गई चीज की फोटो वहां लगा सकते हैं, या फिर आप उसके बारे में कुछ लिख सकते हैं। हर रोज जब आप अपने विजन बोर्ड की तरफ देखते हैं, आपका विजन बोर्ड हर रोज आपको ये एहसास दिलाता है कि आपने खुद से क्या वादा किया था, आपका अल्टीमेट गोल क्या है, और आज आपने अपने गोल को हासिल करने के लिए क्या एक्शन लिया है। आपको तब तक हार नहीं मानना है जब तक आप अपने गोल को हकीकत में बदल नहीं देते। आपका विजन बोर्ड आपको हमेशा मोटिवेटेड रहने में मदद करता है। मेडिटेशन। मेडिटेशन प्रैक्टिस आपको मैनिफेस्टेशन में बहुत ज़्यादा मदद करती है। जब आपको लगता है कि कोई आपकी मदद नहीं करता, आप अकेला महसूस करते हैं, हारा हुआ और थका हुआ महसूस करते हैं, जब आपकी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा होता है, तब भी आपके साथ कोई होता है जिसका एहसास आपको नहीं होता, और वो इंसान आप खुद हैं, आपकी इनर वॉइस है। जितनी आप खुद की मदद कर सकते हैं, उतनी मदद कोई आपकी नहीं कर सकता। मेडिटेशन प्रैक्टिस करने से आपको सारे सवालों के जवाब मिलने शुरू हो जाते हैं। मेडिटेशन प्रैक्टिस करने से आप अपने काम में अच्छे से फोकस कर पाते हैं। मेडिटेशन की मदद से आप इमोशनली स्ट्रांग बनते हैं। आपकी बॉडी और माइंड के बीच एक स्पेशल कनेक्शन बनता है जो आपको हमेशा खुश, शांत और मोटिवेटेड रहने में मदद करता है। आपके नेगेटिव थॉट्स और नेगेटिव इमोशंस को पॉजिटिव थॉट्स और पॉजिटिव इमोशंस में बदलने में मदद करता है। अब मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताने वाला हूँ जो आपको सही से मैनिफेस्टेशन करने से रोकते हैं। द डोंट्स ऑफ मैनिफेस्टिंग। डोंट ट्राई टू फोर्स योर मैनिफेस्टेशन। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि आप हर दिन पॉजिटिव महसूस करें। हर किसी की लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते हैं। अमीर लोगों की लाइफ में भी अप्स एंड डाउन्स आते हैं, फिर भी वो इतना ज़्यादा पैसा कैसे कमाते हैं? एक खराब दिन आने का ये मतलब नहीं है कि आगे भी खराब दिन आएंगे। खराब दिन आने का ये मतलब नहीं है कि मैनिफेस्टेशन काम नहीं करेगा। आपको मैनिफेस्टेशन को होने के लिए फोर्स नहीं करना है कि इतने दिन में मुझे वो चीज़ मिल जानी चाहिए थी, फिर कैसे नहीं मिली, इतने दिन में मेरी इच्छा पूरी हो जानी चाहिए थी, फिर कैसे नहीं हुई। आपको ऐसा नहीं सोचना है। आपको विश्वास रखना है कि मैनिफेस्टेशन हर किसी के लिए काम करता है, तो मेरे लिए भी काम करेगा। स्टॉप लुकिंग फॉर इंडिकेशंस।
आपके मन में सवाल आता होगा कि मुझे कैसे पता चलेगा कि मैनिफेस्टेशन मेरे लिए काम कर रहा है या नहीं, और आप अपनी ज़िंदगी में कुछ बदलाव ढूंढना शुरू कर देते हैं कि मेरे साथ ये अच्छा हो रहा है इसका मतलब मैनिफेस्टेशन काम कर रहा है, मेरे साथ कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है इसका मतलब मैनिफेस्टेशन काम नहीं कर रहा है। जब आप कुछ इंडिकेशंस या कुछ बदलाव ढूंढना शुरू कर देते हैं इसका मतलब आप मैनिफेस्टेशन पर पूरी तरह से विश्वास नहीं कर पा रहे हैं, और यही आपकी सबसे बड़ी गलती होती है, क्योंकि जब आपको कोई बदलाव नहीं दिखता तब आप हार मान जाते हो या डिमोटिवेट हो जाते हो। आपको विश्वास रखना है कि मेहनत का एक भी कतरा कभी खाली नहीं जाएगा। आपको विश्वास रखना है कि जो एक्शन मैंने आज लिया है, जो काम मैंने आज किया है, उसकी मदद से मैं अपनी सारी इच्छाओं को हकीकत में बदल सकता हूँ। डू नॉट डिसरिगार्ड योर गट। अपने अंदर की आवाज़ को कभी अवॉइड मत करना। जब आपको अंदर से महसूस हो कि मुझे ये काम करना चाहिए, मुझे इससे फ़ायदा मिल सकता है, तो आपको सबसे पहले उस काम को करना चाहिए। आपको अपने गट फीलिंग की सुननी चाहिए, क्योंकि कभी कभी ये भगवान की तरफ से एक इशारा होता है कि तुम्हें इस तरह से काम करना है और आज से काम स्टार्ट करना है। जब आप अपने काम को पोस्टपोन करते हो, उसे कल पर टालते हो, तब शायद आप उस काम को कभी शुरू भी न कर पाओ। और यार, अगर आप काम ही नहीं करोगे तो फिर आप सोच भी कैसे सकते हो कि आपके लिए मैनिफेस्टेशन काम करेगा। डू नॉट प्रिज्यूम इट डिडंट वर्क। जब मौके का एक छोटा दरवाजा बंद होता है तब अवसर का एक बड़ा दरवाजा खुलता है। कौन बोलता है कि मौके बार बार नहीं मिलते, बस आपको मौकों की सही परख होनी चाहिए। इस वीडियो के सबसे पहले पॉइंट को याद करो, आपको अपनी बॉडी की वाइब्रेशन को कभी कम नहीं होने देना है। बिजनेस का एक प्रोजेक्ट नहीं मिला, नौकरी के इंटरव्यू में सिलेक्शन नहीं हुआ, इसका मतलब ये तो नहीं कि जिंदगी खत्म हो गई। मैनिफेस्टेशन तब बेस्ट तरीके से काम करता है जब आपके सामने कितनी भी नेगेटिव सिचुएशंस क्यों ना आ जाए, लेकिन आप हमेशा पॉजिटिव फील करते हैं, एज्यूम करते हैं कि सब कुछ अच्छा चल रहा है और आगे भी अच्छा होने वाला है। क्योंकि जिस तरह की वाइब्रेशंस हम इस ब्रह्मांड की तरफ भेजते हैं, वही वाइब्रेशंस हकीकत में बदल कर हमारे सामने आती है। जब आप हमेशा खुश रहते हो, पॉजिटिव फील करते हो, तब आपके साथ सब कुछ अच्छा होता है और आपकी सारी इच्छाएं हकीकत में बदलने लगती है। आपको बस अपना काम करना है और बाकी सब मैनिफेस्टेशन पर छोड़ देना है। दोस्तों, मैनिफेस्टेशन केवल उन लोगों के लिए जादू की तरह काम करता है जो इस पर पूरी तरह से विश्वास करते हैं, मेहनत करते हैं, हर सिचुएशन को पॉजिटिव नज़रिए से देखते हैं। नेगेटिव सिचुएशंस में पॉजिटिव फील करना मुश्किल होता है, इसीलिए तो ये टेक्निक इतनी खास है कि ये आपकी सारी इच्छाओं को हकीकत में बदलने की ताकत रखती है। 10 गुना तेजी से मैनिफेस्टेशन करने के लिए आपको मेरी बताई गई सारी टिप्स को फॉलो करना है, और अगर आपने इससे पहली वाली वीडियो को नहीं देखा है तो उसे देख लो, क्योंकि उसमें मैंने मैनिफेस्टेशन को डिटेल में समझाया है। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। ऑल दी बेस्ट फॉर योर सक्सेस। मैं हमेशा आपको इसी तरह इंस्पायर करता रहूँगा।